और सीएम बने और हटे उसका माने कुछ नहीं कहना है। आज भी हम गांव से आ रहे हैं और शहर से सिटी से कोई मतलब मेरा नहीं रहता है। यदि मंत्रालय इस समय को मिल जाए कोई समय तो बहुत काफी काम हो सकता है। सब दिन एक ही विभाग को हम लोग देखते रहे हैं, ये अच्छा नहीं थोड़ा लगता है। गार्जियन से अपना दुखड़ा सुखाना बताना भी फर्ज बनता है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमारे गार्जियन इस पर कंसीडर करें कि एक विभाग शुरू से ही हम रह रहे हैं और उसी को मिलता रहे तो ये अच्छी बात नहीं लगती है। वो सीएम बने और हटे उसका माने कुछ नहीं कहना है। विभाग के बारे में हम कहते रहे हैं कि चूंकि हम ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, आज भी हम गांव से आ रहे हैं और शहर से सिटी से कोई मतलब मेरा नहीं रहता है। तो आज हमारे पार्टी का भी हो गया 8 साल और हमारा कार्यकाल 43 साल का चल रहा है, तो वैसे में हमसे अपेक्षा लोग करते हैं कि कुछ सड़क बनवा दीजिए, कुछ पुल बनवा दीजिए, कुछ आवास बनवा दीजिए, कुछ आपाकाल या वाटर टावर लगवा दीजिए, ये सब भी काम लोग करते हैं। काम हुआ है, लोगों से मिल करके करवाते हैं, लेकिन यदि मंत्रालय इस समय को मिल जाए कोई समय तो बहुत काफी काम हो सकता है। इसलिए हम कहा करते हैं कि भाई अनुसूचित जाति विभाग, एसटी विभाग, ये तो ठीक है, अच्छा है, हम लोग उसी समाज से आते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन सब दिन एक ही विभाग को हम लोग देखते रहे हैं, ये अच्छा नहीं थोड़ा लगता है। लेकिन हमारे नेता हैं, उनकी मर्जी है, वो दिए हैं तो हमको कोई ये नहीं है। लेकिन गार्जियन से अपना दुखड़ा सुखाना बताना भी फर्ज बनता है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमारे गार्जियन इस पर कंसीडर करें कि एक विभाग शुरू से ही हम रह रहे हैं और उसी को मिलता रहे तो ये अच्छी बात नहीं लगती है। और दूसरी बात, हमारे विधायक ज्योति देवी हैं, उन्होंने तो बहुत खुल करके कहा कि भाई 4 महीना के लिए हमारा विभाग रत्नेश्वरा को दिए थे, आज क्या कारण है कि रत्नेश्वरा को फिर हटा दिया गया या उनका विभाग हमको छीन के दिया गया। किसी दूसरे का छीन के दिया जाता तो अच्छा लगता, हमारे समाज का ही था, देख रहे थे, अच्छा देख रहे थे, उनको मौका मिलना चाहिए था, तो वो न कर करके फिर हमारे ही साथ दे दिए, तो स्पष्ट लगता है कि क्या नेता जानबूझ करके हमारे समाज को नेग्लेक्ट करना चाहते हैं क्या। तो ये सारी बातें मन में आती है, लेकिन ये कोई रंजिश नहीं है, इसके चलते कोई समर्थन देने और लेने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहने का मतलब है कि हम नीतीश जी के साथ, एनडीए के साथ हैं और रहेंगे, और 12 तारीख को जो फ्लोर टेस्ट होगा उसमें डट करके हम लोग एनडीए को साथ देंगे। लेकिन एक परिवार के नाते, एक अंग के नाते हमारे दिल में जो बात आ रही है कि भाई ऐसा अगर करते तो ज्यादा अच्छा रहता, बात सिर्फ यही है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।